अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक चाइनीज़ रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे मैंने बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपी ट्राई की हुई हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पाकिस्तानी रेसिपीज से ज़्यादा चाइनीज़ रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। मतलब मैं मुझे शौक है कि मैं वो सारी रेसिपीज़ ट्राई करूं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूंगी। इससे पहले भी मैंने एक चाइनीज़ राइस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज मैं एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलें देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए थे 1 kg के अराउंड चावल और उनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। शॉपकीपर जितना मर्ज़ी कहे कि चावल साफ़ हैं, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको दोबारा से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। फिर मैंने लिया था यहाँ पर चिकन, वो भी मेरा अब मुझे याद नहीं कि कितना था, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये बिल्कुल फ़्रेश चिकन था, कोई फ्रोज़न चिकन नहीं था, इस पर कोई ब्लड स्टेन वगैरह भी नहीं था। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से पहले धोया था, उसके बाद मैंने इसे रनिंग वाटर में ऐसे ही रख दिया ताकि जितना भी ब्लड होगा वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास थी कुछ वेजीज, सीजनल वेजीज थी, जिनमें थी बंद गोभी, मटर, कैप्सिकम, धनिया वगैरह। आप लोग इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, वो नहीं थी अवेलेबल तो मैंने उसे स्किप कर दिया। आप लोगों के पास हों तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके अलावा कलरफुल कैप्सिकम्स आती हैं जिसमें ऑरेंज, येलो, ग्रीन, मेरे पास सिर्फ ग्रीन वाली थी। आप लोगों के पास जौन सी भी आप वो ऐड कर लीजिएगा। उसकी प्रॉपर कटिंग करें, उसके बाद उसको ऐड करें। मटर भी यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि मटर कुछ ख़ास पसंद नहीं किए जाते, मुझे बहुत पसंद है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पसंद, तो इसीलिए कम ही रखे थे। उसके बाद आप लोगों ने हैं 3 से 4 अंडे, उनको अच्छी तरह से बीट करना है। तो बस यही थी कुछ इंग्रेडिएंट्स। अब देखते हैं, चलते हैं इसकी मेन रेसिपी की तरफ, वो कैसे बनेगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक पैन लेना है और उसमें ऑयल वगैरह डालकर उसको अच्छी तरह से हीट कर लेना है, जैसे कि आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये वेजीज शो कर रही थी। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रॉपर कटिंग रखनी है, इसमें कटिंग काफ़ी मैटर करती है, ये ना हो कि कुछ बड़ी हो और कुछ छोटी, आप लोगों ने इक्वल कटिंग में लेनी है। उसके बाद जो था पैन, उसमें ऑयल गरम कर लिया था, उस ऑयल में मैंने अंडे को करना है फ्राई। इसको फ्राई करके हम पहले साइड पर रख लेंगे ताकि एक काम पूरी तरह से हो जाए। उसके बाद जो बारी आएगी वो बाकी चीज़ों की आएगी, अभी पहले सिर्फ अंडे को इसी तरह करना है। अभी अंडे को मैंने खाली ही किया था, इसमें मैंने कोई नमक मिर्च कुछ नहीं ऐड करी, सिर्फ और सिर्फ खाली अंडे को बेट किया और उसके बाद इसको फ्राई कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आप लोग भी इसी तरह से किया कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो मेरे पास चिकन है उसको मैं बॉयल होने रख दूँगी। बॉयल होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद मुझे इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आई डोंट नो, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें मुझे स्लिपरी रंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जब वॉइस ओवर करना होता है तो मुझे तकरीबन हफ्ता ही लग जाता है। मैं हफ्ते बाद वॉइस ओवर करती हूँ, शायद इस वजह से मैं चीज़ें भूल भी जाती हूँ और वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, जस्ट इग्नोर। अच्छा, उसके बाद जो है हमने कर लिया था चिकन को फ्राई और उसको हम लोगों ने श्रेडिड कर लिया था। फिर हम लोग एक लेंगे बड़ा सारा पतीला और उसमें डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल के बाद डालेंगे उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। फिर जी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे प्याज, ज़्यादा नहीं डालना, बस बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमने इसमें। हरी प्याज हो तो बेस्ट है, वरना आपके पास जो भी हो आप वही ऐड कर दें। तो जब ये हो जाएगा इसकी खुशबू पूरे घर में आने लग जाएगी, एटलीस्ट पूरे किचन में आने लग जाएगी। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और फिर हम उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। काली मिर्च को सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट और थोड़े से प्याज में हम इसको फ्राई करेंगे। और नेक्स्ट हमने इसमें क्या डालना है, चलें देखते हैं।
फिर हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद जो है हमने इसमें पानी डालना है, पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा कि वो नीचे ना लगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है कि मसाला ना जले। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो सारी की सारी जो है ना वेजीज जो हमने कट करी थी उसको हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह। और उससे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। वीडियो में आप लोगों को प्रॉपरली नज़र आ रहा होगा, वॉइस ओवर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन वीडियो में आपको पूरा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को डाल देंगे जो वेजीज़ हैं, पहले उनको अच्छी तरह से सारे मसाले में अब्सॉर्ब करेंगे और फिर डालेंगे। वैसे अगर गौर किया जाए ना तो हमारी लाइफ भी किसी चाइनीज़ रेसिपी से कम नहीं है। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी कोटेशन याद आई थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। लाइफ इज़ लाइक अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी एक साइकिल की तरह है जिसे अगर हम बैलेंस में रखेंगे तभी हम अच्छी तरह से चल पाएंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारी लाइफ वाकई ही ऐसी ही है जैसे मैंने पहले कहा कि चाइनीज़ रेसिपी से कम नहीं है। हर चीज़ उठाकर डाल दो, सारी वेजी, सारे चिकन और चिकन के सॉरी सारे मसाले, लाइट से मसाले और बस जो जो चीज़ घर में पड़ी है सब कुछ डाल दो और बन गई चाइनीज़ रेसिपी। तो लाइफ भी ऐसी ही है, लाइफ में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हम लोगों में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अच्छे लोगों का साथ जाते हैं जबकि वो खुद कोशिश नहीं करते कि वो अच्छे बने। और अच्छे की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक, अच्छा होने की डेफिनेशन क्या है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर दूसरा बंदा हमें आकर कहता है अच्छा बनो अच्छा बनो, लेकिन अच्छा होने के क्या है, हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा जो हम अच्छा कहलाएंगे, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, लेकिन आखिर कब तक एक रोल हम कब तक प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात को ज़्यादा खींचूँ तो बहुत आगे तक चली जाएगी, तो खैर चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं बोलने पे आऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, इसीलिए चलें छोड़ें इस बात को। लेकिन आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़दीक अच्छे होने की डेफिनेशन क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को अच्छा बनाती है, आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चले बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो जैसे हमने चिकन बॉयल किया था ना वैसे ही हमने चावलों को कर लेना है बॉयल, और फिर हमने एक एक लेयर लगा देनी है। जैसे हमने पहले सारी वेजेस को फ्राई किया था उसके बाद हमने किए थे चावल को अलग से बॉयल, फिर फ्राइड जो हमारे पास वेजेस थी उनकी एक लेयर लगाई हमने, और बॉयल्ड राइस हमने राइस जो बॉयल किए थे वो एक कन्नी पे किए थे तो उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। जो चिकन था हमारे पास बॉयल किया हुआ वो हम इसमें डाल देंगे, और जो सबसे पहले हमने अंडा फ्राई किया था ना वो भी हम इसमें डाल देंगे, उसको भी हम श्रेडेड फॉर्म में डालेंगे, एज इट इज़ नहीं डालेंगे। बस ये होगी तैयार। इसके बाद हम लोगों ने चावल जो थे वो एक कनी पर रखे थे इसीलिए हम इसको दम देंगे और ये स्टीम में ही ठीक हो जाएंगे। चावलों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना, बिल्कुल एक कनी पर रखना, थोड़े से कच्चे रखने हैं और फिर हमने इसको ओवरलैप करना है। तो बस ये थी आज की वीडियो। इसके बाद हमने इसको देना है फाइनल लुक। फाइनल लुक अदरक इसमें हम नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ धनिए के साथ हम इसको फाइनल लुक देंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक आप लोगों ने मुझे बताना है जो मैंने आपसे पूछा है कि आपके नज़दीक ज़िंदगी की अच्छे होने की डेफिनेशन क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।